अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास सिक्स मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर टू की दो हॉर्स क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए हॉर्स में दो क्वेश्चंस है। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए फाइंड ए टू डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय टू थ्री एंड फाइव गिव्स द सेम रिमाइंडर वन। तो एक ऐसी टू डिजिट्स नंबर आपको चाहिए जिसको टू थ्री और फाइव तीनों से डिवाइड दी जाए ना, तो रिमाइंडर वन आएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करना, तो मतलब इस नंबर को कैसे निकालना, तो बहुत इजी है। पहले देखिए टू थ्री और फाइव की एलसीएम निकाल लेना, इसके बाद इसी ही एलसीएम के साथ वन ऐड कर देना, तो आपके आंसर आ जाएगा। दी रिक्वायर्ड नंबर इज एलसीएम ऑफ टू थ्री एंड फाइव प्लस वन। ठीक है, मतलब इन तीनों की एलसीएम के साथ वन ऐड कर देना। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करने पड़ेगी। ठीक है, अच्छा तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए एलसीएम ऑफ टू थ्री एंड फाइव, ये देखिए तीनों प्राइम नंबर्स है, तो तीनों की एलसीएम तीनों के प्रोडक्ट्स ही होंगे। तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू थर्टी है। टू थ्री दा सिक्स, फाइव सिक्स दा थर्टी है, तो इन तीनों की एलसीएम थर्टी है। अब देखिए देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख देना, द रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर इज थर्टी प्लस वन इज इक्वल टू थर्टी वन। ये तो टू डिजिट नंबर है ना, तो आप देखिए थर्टी को टू से डिवाइड दे दीजिए तो वन रिमाइंडर हो गए। थर्टी को थ्री से डिवाइड दे दीजिए तो थ्री टेन सर थर्टी वन आएगी रिमाइंडर। फाइव से डिवाइड दे दीजिए, फाइव सिक्स सर थर्टी वन बच रही है, मतलब रिमाइंडर हो रही है। टू फिफ्टीन सर थर्टी वन बच रही है, मतलब वो रिमाइंडर है। तो भाई वन नंबर की सोल्यूशन ऐसा ही है। तो देखिए ये जो चीज़ है ना, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मत लिखिए, जस्ट यहाँ से आंसर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू थ्री एंड फाइव इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू थर्टी। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर इज थर्टी प्लस वन इज इक्वल टू थर्टी वन। अब टू नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू डिजिट नंबर्स हुज सम इज मोर देन हंड्रेड बट देयर डिफरेंस इज लेस देन थ्री। तो आप ऐसी दो टू डिजिट नंबर चाहिए, दो ही नंबर दो है और दोनों ही टू डिजिट्स होनी चाहिए, जिनके साम मोर देन हंड्रेड सौ से ज़्यादा होनी चाहिए, बट दैट डिफरेंस इज लेस देन थ्री, दोनों की डिफरेंस मतलब अंतर तीन से कम होनी चाहिए। तो यह एक चीज़ देखिए, फिफ्टी प्लस फिफ्टी वन, ये दोनों टू डिजिट नंबर है, तो फिफ्टी प्लस फिफ्टी वन इज इक्वल टू वन हंड्रेड वन, वन हंड्रेड वन है। तो साम देखिए मोर देन हंड्रेड आ रही है ना, मोर देन हंड्रेड आ रही है। अब देखिए फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी, डिफरेंस चाहिए ना दोनों की, डिफरेंस फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू वन है, बट दैट डिफरेंस इज लेस देन थ्री। तो ये जो वन डिफरेंस है ना, ये लेस देन थ्री है, थ्री से कम है। तो भाई इसकी सोल्यूशन कैसे होगी, हमने तो समझ ली ना यहाँ मैटर क्या है, समझ ली, लेकिन सोल्यूशन कैसे है, तो सोल्यूशन देख लेना। तो देखिए फिफ्टी प्लस फिफ्टी वन इज इक्वल टू वन हंड्रेड वन है, विच इज ग्रेटर देन हंड्रेड, ये हंड्रेड सम ग्रेटर देन हंड्रेड होने चाहिए। अगेन फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू वन है, विच इज लेस देन थ्री है, डिफरेंस थ्री से कम होनी चाहिए और सम हंड्रेड से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू टू डिजिट नंबर्स आर 50 एंड 51। देखिए ऐसे और भी बहुत सारे जुड़े मिल जाएंगे आपको, 51 एंड 52, 52, 53, ऐसे ही 50, 52 भी होगी, क्योंकि 52 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 आ रही है, डिफरेंस 2 आ रही है और 2 भी 3 से कम है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे जुड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोनों नंबर्स 100 के अंदर ही होने चाहिए, मतलब अप टू 99 होने चाहिए। ठीक है, वरना तो टू डिजिट की कंडीशन छूट जाएगी ना,
थ्री डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है टू नंबर के सोल्यूशन। देखिए कितने इजी ना, बहुत इजी है भाई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो देखिए आपकी मैथ्सबुक के सारे एक्सरसाइजेस मैंने कंप्लीट कर दूंगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर वीडियो लाइक करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।